सभी कटिहार जिला वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से हम लोगों को संदेश मिल रहे हैं, लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बाहर से प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है। तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस बीच कुछ संख्या में मजदूर हम लोग के बिहार राज्य के बॉर्डर में प्रवेश उन्होंने किया है, और उसी क्रम में जो कटिहार जिला के रहने वाले हैं उन लोगों का आगमन कटिहार जिला में अवश्य हो रहा है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, हम लोग जो भी स्थिति है उसमें यथेष्ट सतर्कता बरतने का प्रयास कर रहे हैं, और इन सभी व्यक्तियों का एक बार जांच उनके बॉर्डर पे ही हो चुका है। जब बिहार राज्य की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया तो उनकी जांच स्वास्थ्य की हो चुकी है, उसके बाद में फिर हम लोग उनको अभी इस प्रकार से यहाँ पे उनका मूवमेंट करा रहे हैं कि उन लोगों को हम लोग सेपरेट यानी अलग स्थलों पे, पृथक स्थलों पे उनको क्वारंटीन कर दें। इसलिए हम लोगों ने 289 विद्यालय चिन्हित किए हुए हैं जहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी, और वहाँ पे हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि उनका स्वास्थ्य का चेकअप भी हम लोग रोज कराएं। इसके बाद भी कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मोटरसाइकिल से या कार से वो लोग किसी और रूट से अंदर आ गए हैं, तो उसके लिए भी आप चिंता न करें, हम लोग सबको होम ट्रैकिंग करवा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों ने एक डेटाबेस तैयार किया है जिसमें जितने भी लोग बाहर के राज्यों से आए हैं या बाहर के देशों से आए हैं उन सबको हम लोगों ने ट्रैक किया है, और जो अभी आते जा रहे हैं उन सबको सतत रूप से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे लगभग 8,500 लोग हम लोग ट्रैक कर चुके हैं, और उन सबके घरों में हम लोग स्टिकर्स, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स सब कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं और वितरित कर रहे हैं, और उन सब का इस सब का उद्देश्य यही है कि उनको हम लोग होम क्वारंटीन कर दें, और जो अभी आ रहे हैं उन सबको हम लोग स्कूल में क्वारंटीन कर दें, और फिर उनकी दैनिक ट्रैकिंग का काम चल रहा है। इसके लिए राज्य स्तर पे एक मोबाइल ऐप बनी है, उस पर भी हम लोग ट्रैकिंग को अपडेट कर रहे हैं, और हम लोगों ने जिला स्तर पे भी अपना एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिसके माध्यम से हम लोग डेली ट्रैक कर रहे हैं कौन आदमी कितने दिन में क्या क्या सिम्टम्स दिखा रहा है। इस सब की हम लोगों ने प्रणाली विकसित की है, विभिन्न स्तरों पे उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं और ICDS के कर्मी कर रहे हैं, और यहां तक कि हम लोगों ने सभी आए हुए जो बाहर से लोग हैं उनके प्रथम संपर्क में जो लोग आए हैं उनको भी ट्रैकिंग करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें किसी प्रकार से हम लोगों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 1,000 की कैपेसिटी क्षमता के आइसोलेशन वार्ड्स और क्वारंटीन सेंटर्स अलग से हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। जो स्कूल के क्वारंटीन शिविर हैं वहां पे हमारे लगभग 10,000 से 12,000 लोग की हम लोगों की क्षमता है। इसके अलावा सेपरेट होटल्स, हॉस्टल्स, इन सब की हम लोगों ने प्लानिंग ऐसी की है कि वहां पे भी हम लोग क्वारंटीन सेंटर हमारे तैयार हैं, और साथ ही साथ जो सरकारी और कुछ निजी हॉस्पिटल हैं उसमें भी हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड्स तैयार किए, यानी लगभग हमारे 1,000 बेड के आइसोलेशन और क्वारंटीन वार्ड्स अभी से हम लोग ने तैयार करके रखे हुए हैं। टाउन के कंजेशन को लेके आज हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी, और चालीसा हाट और शिव मंदिर चौक से हम लोगों ने लोगों को हटा के और ESECI फील्ड में हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। तो ये जितने भी कटिहार टाउन के निवासी हैं वो इस बारे में उनको जानकारी मिल गई होगी कि वहाँ काफ़ी भीड़ होती थी, तो आज हम लोगों ने एक प्रयास करके उसको वहाँ से डिस्पर्स करने का काम एक हम लोगों ने प्लान किया था उसको हम लोगों ने किया है। और इसके अलावा जो आपदा राहत केंद्र हम लोगों का शहर में चल रहा है, अगर जरूरत पड़ रही है और तो हम लोग एक कैंप को और प्लान करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि उस तरह के निर्धन, निराश्रित या बाहर के राज्यों के जो अब बिहार में फंस गए हैं, कटिहार में फंस गए हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो हम लोग एक शिविर उसके लिए और प्रारंभ करेंगे। तो इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अब तक 23 सैंपल कटिहार जिला में लिए हैं जो हम लोगों के जांच के लिए हम लोगों ने एकत्रित किए थे, जिसमें 21 लोग विदेश से आए हुए हैं उनका सैंपल हम लोगों ने लिया है, और 2 लोग ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने संदिग्ध उनके स्वास्थ्य लक्षणों को समझा था और पूरी सतर्कता बरतते हुए तत्परता से उसका हम लोगों ने सैंपल इकट्ठा किया। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी भी प्रकार से जरा सा भी हम लोगों को अगर संशय हो हम उसको आम आबादी से अलग कर दें ताकि संक्रमण के फैलाव का काम किसी भी तरह ना हो सके। तो ये सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में आम जो नागरिक हैं उनसे संक्रमण को दूर रखा जाए, और जो प्रभावित हो गए उनका ससमय हम लोग इलाज करा सकें और ससमय अपनी सतर्कता बरत सकें।
इसके अलावा हम लोग उन जिलों में से हैं, कटिहार जिला, जहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर एक एसओपी और इंटीग्रेटेड टीम बनाई हुई है। अगर कोई गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, किसी को कोरोना का पॉजिटिव लक्षण भी आ जाता है, तो हम लोगों के पास प्लान तैयार है कि प्रोटोकॉल उसका क्या होगा, कौन सी टीम क्या काम करेगी, इमीडिएट क्या एक्शन लिया जाएगा, ये हम लोगों ने यहाँ तैयारी करके रखी हुई है। मैं ये चाहूँगा कि इस प्रकार की नौबत ना आए, और लेकिन किसी भी परिस्थिति से हम लोग अंत तक लड़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलके इस पे विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं।